सो तो दोस्तों ये है इंडिया की फ़र्स्ट एवेंजर क्रूज़ 2020 मॉडल जिसमें आपको रिवर्स गेयर की फंक्शनलिटी देखने मिलती है और इससे पहले आप मैंने आप अपने चैनल में ऑलरेडी एक रॉयल एनफील्ड का रिवर्स गेयर वाला फंक्शनलिटी वाला एक वीडियो अपलोड किया जिसको आप लोग आई में फाइंड आउट कर सकते हैं पर इस बार यहाँ पे जगी कस्टम्स ने एक एवेंजर को भी कस्टमाइज़ किया जिसके अंदर आपको रिवर्स करके फंक्शनली देखने मिलती है और ये बेसिकली जो भी पैरालाइज लोग होते हैं या जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत आती है अगर वो लोग बाइक का मजा लेने चाहते हैं वो इस तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ हाथ की हेल्प से ही आप अपनी बाइक को सारी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेक लगा सकते हैं गेयर चेंज कर सकते हैं सब कुछ काम कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रिवर्स गेयर की फंक्शनलिटी यहाँ पर काम हो रहा है आपके पास कोई भी बाइक हो अगर आपको इस तरह से रिवर्स गेयर की फंक्शनलिटी चाहिए अपनी बाइक में तो आप लोग डेफिनेटली जगी कस्टम से कांटेक्ट कर सकते हैं मैं उनका कांटेक्ट डिटेल्स अपने मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है काफ़ी अच्छे से वो आपकी हेल्प यहाँ पे कर सकेंगे अगर मैं बात करूँ इस बाइक के बारे में सो ये एक 2020 मॉडल की बजाज एवेंजर क्रूज़ है और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से इन्होंने पीछे में दो व्हील्स मतलब पीछे का जो एंटायर सेटअप है वो यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली चेंज किया है चेंजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फ्रंट पोर्शन से लेकर मिडिल पोर्शन तक है इवन जो उसके सीट्स हैं टेल लैंप है वो सब कुछ अभी भी स्टॉक रखा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया लेकिन यहाँ पीछे में दो न्यू व्हील्स आ रहे हैं जो कि फोर्टीन इंच के व्हील्स हैं और इन दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक सेटअप देखने मिलता है मतलब अब इस बाइक में टोटल आपको तीन डिस्क ब्रेक देखने मिल जाता है और साथ साथ आप लोग देखेंगे इसके हैंड साइड में ही मतलब जो राइट साइड है वहीं पे इसका रिवर्स गियर करने के लिए भी है जो कि आप लोग देखिएगा अभी रिवर्स गियर वाला इन्होंने नॉब खींचा है तो अब ये गाड़ी एक्सलेटर देंगे तो आप रिवर्स में भी जाएंगे ताकि इन केस अगर ना कहीं पर आपको पार्किंग करना है या कहीं से बाइक निकालनी है तो आप उस आ, आ, उस सिस्टम के थ्रू अपनी बाइक को बहुत आसानी तरह से रिवर्स दे सकते हैं मतलब देखिए यहाँ पर ये एक्सीटर दे रहे हैं लेकिन आपकी बाइक यहाँ पर पीछे जा रही है और उसी तरह से अगर हम सिस्टम को दूसरे डायरेक्शन में चेंज करेंगे तब आपकी गाड़ी यहाँ पर फ्रंट साइड में जाना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी और अगर आपको गेयर वगैरह चेंज करना आप तो देख सकते हैं एक बड़ा सा आपको हैंडल जैसे दिख रहा होगा उसके थ्रू वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं और ये इस ये रिमोट सिस्टम से भी काम करता है मतलब रिमोट के थ्रू अपनी गाड़ी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया है सो तो आप लोग इसका ओवरऑल सेटअप देखिए काफी स्टेबल ये बाइक बनी है बहुत अच्छे तरह से इन्होंने कस्टमाइजेशन भी किया है और अगर आप कोई किसी भी व्यक्ति को जानते हैं किसी भी लोगों को कोई इस तरीके का अगर वर्क चाहिए जो कि बाइक चलाने के शौकीन है और लेकिन कुछ वजह के चलते वो बाइक नहीं चला सकते तो उन सभी लोग के लिए ये मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी सारे लोगों ने किया है पर ये एक एवेंजर क्रूज़ पर भी किया है और अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड पर भी करना चाहते हैं तो रॉयल एनफील्ड पर भी आपको जगह कस्टम्स डेफिनेटली यहाँ पर वर्कआउट करेंगे वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट ये आपको कस्टमाइजेशन करके देखेंगे क्योंकि इनका वर्क देखिए देखने में कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है कहीं पर भी आपको ऐसा अलग से देखने में कुछ नहीं लग रहा है जो लग रहा है बिल्कुल एक कंपनी फिटेड स्टाइल में लग रहा है सो so, आप सभी को कैसा लगा ये मॉडिफाइड एवेंजर क्रूज प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके आप लोग जरूर जाएगा जो कि आप लोग अगर आप सभी को ये बजाज एवेंजर क्रूज़ का ये रिवर्स गेट्स वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग